दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लुको पायलट क्या है, लुको पायलट कैसे बने, लुको पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, लुको पायलट की सैलरी कितनी होती है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लुको पायलट क्या है? ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता है। ड्राइवर के रूप में रेलवे इंजन को चलाना होता है। इस पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पर रहते हैं। रेल का इंजन और लुको पायलट का मतलब होता है रेल को चलाने वाला ड्राइवर, यानी जो रेल को चलाता है। यदि आप लुको पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सहायक लुको पायलट यानी असिस्टेंट लुको पायलट के पोस्ट पर पहुंचना होगा, और पहुंचने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना होगा। जब कोई असिस्टेंट लुको पायलट बन जाता है उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे चलकर सीनियर असिस्टेंट लुको पायलट के पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। उसके बाद ही लुको पायलट के पोस्ट पर प्रमोशन मिल पाता है, और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो दोस्तों कहते हैं ना, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देती। असिस्टेंट लुको पायलट की पोस्टिंग ग्रुप सी की तहत होती है, और रेलवे के अंदर असिस्टेंट जिसको शॉर्ट में ALP यानी असिस्टेंट लुको पायलट कहा जाता है, क्योंकि असिस्टेंट ही लुको पायलट को सही तरीके से ट्रेन को चलाने में हेल्प करता है। यानी असिस्टेंट लुको पायलट ट्रेन के मुख्य ड्राइवर की हेल्प करता है और सभी सिग्नल को भेजता है। एक असिस्टेंट लुको पायलट का टास्क बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इन्हें अपने ड्यूटी को अपने टाइम से भी ज़्यादा समय देना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतनी ही समय यानी 24 घंटा मिलती है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। एक एग्जाम के माध्यम से ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में काम पर रखा जाता है। इस ग्रुप से आपको लुको पायलट पद के बी ग्रुप में प्रमोशन किया जाता है। इसके बाद आपको लुको पायलट का सीनियर पद दिया जाता है। फिर आप बन जाते हैं एक ट्रेन ड्राइवर यानी लुको पायलट। अगर आप लुको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान सी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, उसके माध्यम से आप लुको पायलट बन सकते हैं। इंडियन रेलवे भर्ती के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की जांच होती है, लिखित परीक्षा होती है यानी रिटेन एग्जाम को पास करना होता है। परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें विशेषकर आपकी आँखों की जांच होती है। मेडिकल टेस्ट में सफल होने के बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको ट्रेन ड्राइवर की सहायक यानी ट्रेन ड्राइवर असिस्टेंट के रूप में नियुक्ति किया जाता है। जो इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इसी के बराबर की योग्यता होना जरूरी है। कैंडिडेट को कम से कम ITI पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर उम्मीदवार इंस्टीट्यूशन जो AICTE अप्रूव्ड हो उससे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लुको पायलट की चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित परीक्षण दो प्रमुख चरणों में होता है। इसमें 250 अंकों के MCQ टाइप प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को 2 घंटे 30 मिनट में परीक्षा पूर्ण करनी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन आंसर गलत करोगे तो आपको 1 मार्क जरूर कटेगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक रिटन एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा में MCQ पूछे जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर 120 अंकों का होता है। इस परीक्षा के लिखने के लिए कुल मिलाकर 90 मिनट दिया जाता है। इस 1.5 घंटे के एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी किया जाता है, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए आपको 1/3 नंबर भी काटे जाते हैं, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 मार्क काटा जाएगा।
ट्रेन ड्राइवर रिटन एग्जाम पास करने के बाद एक टेस्ट देना पड़ता है। इस परीक्षा में आपका दिमाग का टेस्ट यानी माइंड टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आपका दिमाग कितना स्वस्थ है। दिमाग लगाने वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आपको ध्यान से देना पड़ता है। ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए मेडिकल योग्यता में आँख का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपकी आँख में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपके लिए ये समस्या बन सकती है। अक्सर स्टूडेंट आँख की कमी के कारण बाहर कर दिए जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर के लिए आँख का कितना उपयोग होता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। शारीरिक मापदंड के अंतर्गत हाइट से संबंधित किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, परंतु आपका वजन आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आँखों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका विजुअल स्टार कार्ड डिस्टेंस विजन 6x6 यानी 6x6 बिना चश्मे के होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे लुको पायलट के कार्य के बारे में। इमरजेंसी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, प्रस्थान के बाद हर समय निर्धारित गति बनाए रखना, किसी भी रिमार्क को लिखने के पहले लोकोमोटिव की मरम्मत की किताब की जांच करना, स्पेशन हाल्ट सिग्नल और रेलवे क्रॉसिंग गेट के लिए जांच करना, लोकोमोटिव के ब्रेक की कंडीशन और तेल के लेवल की जांच करना होता है। जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनकी बेसिक सैलरी 5,200 रुपये से 20,000 होती है। ग्रेड पे के रूप में उन्हें 1,900 रुपये दिया जाता है। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो उन्हें 30,000 से 32,000 मासिक वेतन के रूप में मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लुको पायलट क्या है, लुको पायलट कैसे बने, लुको पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।